अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं अपने स्कूल आई हूँ, सेंट मेरीज कॉन्वेंट इंटर कॉलेज, अपनी मार्कशीट कलेक्ट करने। स्कूल में सिर्फ एक ही पर्सन अलाउड था, या तो मैं जाती या तो पापा जाते, तो इसलिए पापा बाहर खड़े हैं और मैं आ गई। शायद हमारी फ्रेंड सारी आ चुकी हैं, हम ही लेट हैं। स्कूल में रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो फिर सिस्टर से परमिशन लिया था तो उन्होंने कह दिया कि हाँ कर लीजिए, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आई। ये देखिए, ये है हमारी स्कूल की बिल्डिंग और ये है हमारा प्यारा सा स्कूल जिसको हम कोविड की वजह से 2 साल से छोड़े हुए हैं। अरे वाह, लगता है सब मेरा ही वेट कर रही हैं। क्लासरूम में सिर्फ 2 ही स्टूडेंट्स मार्कशीट कलेक्ट करने जा सकते हैं और सारे स्टूडेंट्स बाहर खड़े हैं। ये देखिए, ये है हमारे सिस्टर ऑफिस और ये देखिए, ये है साइंस पार्क, हम स्टूडेंट्स की फेवरेट प्लेस। अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अगर होती तो हम आपको अंदर से व्यू दिखाते हैं इसका। और ये है स्कूल की फेमस ब्लू बिल्डिंग जहां हमारी क्लासेस चलती थी। आगे फील्ड आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ भी जाने की परमिशन नहीं है। जहाँ तक क्लासरूम है वहीं तक आप जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जाने की परमिशन है। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, जब स्कूल रहता था ये हर वक्त बच्चों से भरा रहता था। आजकल तो सब ऑनलाइन ही क्लास चल रही हैं और इसे हम बहुत मिस कर रहे हैं। मेरी तो अब स्कूलिंग फिनिश हो गई है, तो बस स्कूल से निकलते हुए ये लाइन याद आ रही है। दरो दीवार पर हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो एले चमन, हम तो सफ़र करते हैं। और इसी के साथ हम फ्रेंड्स स्कूल को बाय कह के आ गए। इस टाइम को बहुत मिस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पर अभी आप लोग मत जाइएगा, आपके लिए आगे बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। तो ये देखिए, हम लोग ने बनाया है कोकोनट चॉकलेट बॉल्स और इसके लिए हम लोग ने लिया था 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट। मम्मी घर पर नहीं थी तो सोचा चलो उनको सरप्राइज़ देते हैं। अब इसी डेसिकेटेड कोकोनट को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है पैन में, स्लो फ्लेम ही रखिएगा और इसको अच्छे से स्टर करती रहिए। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून ऑफ घी, या आप बटर भी ले सकते हैं, और इसको अच्छे से स्टर करिए जब तक अच्छी सी कोकोनट की खुशबू ना आए। उसके बाद इसमें डाला है 2.5 टेबलस्पून ऑफ शुगर। यहाँ पास मैंने डेरी मिल्क चॉकलेट यूज़ करी है, तभी मैंने इसमें 2.5 टेबलस्पून ऑफ शुगर डाला है। अगर आप डार्क चॉकलेट यूज़ करें तो आप शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। अब इसमें जाएगा मिल्क, तो ये जो मिल्क है ये मैंने उसी कप से मेजर किया है जिस कप से मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला था। आपको सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी सेम रखनी है। इसको स्टर करते रहिए। यहाँ पास मैंने लिया है मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं। ये भी मैंने 4 टेबलस्पून डाला था। ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया था। नहीं, कोकोनट की जो बॉल्स बनाने में कोई इशू नहीं हुआ था, उसकी कोटिंग करने में चॉकलेट से उसमें थोड़ा सा इशू हो गया था। अब इसको अच्छे से स्टर करिए, फ्लेम स्लो ही होनी चाहिए। ये देखिए, अब ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको बॉल का शेप दे सकते हैं। इसको निकाल लिया है मैंने प्लेट पे और इसके बॉल्स बनाइए। आपको जो
साइज शेप देना है, आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। और जितना आप बॉल्स को प्रेस करेंगे उतनी आपकी बॉल्स या बार परफेक्ट बनेंगे। अब इसे हाफ आवर के लिए रेफ्रिजरेट करिए। अब डबल बॉयलर मेथड की हेल्प से डेरी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट करना है आपको। ये वाला स्टेप अप्पी कर रही थी, हमने और अप्पी ने मिलके ये रेसिपी बनाई थी। मैं आपको यही प्रिफर करूँगी कि आप डार्क चॉकलेट का यूज़ करें। अब इस मेल्टेड चॉकलेट से हम अपने बॉल्स को कोट करेंगे। मैं आपका स्पून की हेल्प ले रही हूँ, आप चाहे फोर्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस मेल्टेड चॉकलेट से बॉल्स को अच्छे से कोट करिए और फिर एक बटर पेपर पे ट्रांसफ़र कर लीजिए और फिर इसको 30 to 40 मिनट्स के लिए फ्रिज में डाल दीजिए। यहाँ पास मैं फोक और स्पून की मदद ले रही हूँ। वैसे ये स्टेप इजी भी नहीं था और इवन मम्मी भी घर पर नहीं थी। तो इसके बाद हम लोग ने कोकोनट बॉल्स को क्रश करके डायरेक्टली चॉकलेट में डाल दिया था और फिर इसकी बॉल्स बनाई थी। और ये हमने कुछ वैसे बॉल्स बना ली थी, चॉकलेट बॉल्स, बट दोनों का टेस्ट अमेजिंग था, बहुत टेस्टी था। कुछ नया इन्वेंट हम लोग ने कर दिया, मम्मी को तो बहुत पसंद आया था। और जो सेकंड है ना वे चॉकलेट बॉल्स बनाने का, आप उस तरीके से बनाइए।